संसद का मॉनसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ा। कृषि कानून और पेगासस मामले को लेकर विपक्ष लगातार आक्रामक। सरकार से किसान कानून रद्द करने की मांग। पेगासस मामले में भी जांच की मांग को लेकर अड़ा हुआ है विपक्ष। 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होनी है। किसी भी क्षण ये कार्यवाही अब शुरू हो सकती है। जब कोई चीज मैं मेंशन कर रहा हूं तो सीट पर बैठ जाया करें। ये तरीकों का सुधारो, ठीक तरीके नहीं है। मुझे सभा को दो महान अंतर्राष्ट्रीय विभूतियों के निधन के संबंध में सूचित करना है। श्री अनिरुद्ध जगन्नाथ। आपको बता दें सदन की कार्यवाही शुरू हो चुकी है और ये सीधी तस्वीरें आप इस कार्यवाही की लाइव देख रहे हैं। संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है। सीधी तस्वीर लाइव एवं टीवी पर। द्विपक्षीय संबंधों के मुख्य शिल्पकार थे। द्विपक्षीय संबंधों के निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के कारण भारत सरकार ने उन्हें नागरिक सम्मान पद्म विभूषण और प्रथम प्रवासी भारतीय सम्मान से विभूषित किया था। उनका निधन 91 वर्ष की आयु में 3 जून 2021 को मॉरिशस में हुआ। डॉक्टर केनेथ डेविड बुजिजिया कोंडा जाम्बिया के प्रथम राष्ट्रपति थे। वे 1964 से 1991 तक जाम्बिया के राष्ट्रपति रहे। जाम्बिया के लिए स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और महात्मा गांधी से विशेष प्रेरणा ली थी। उनका भारत से विशेष प्रेम था और उन्होंने भारत की अनेक बार यात्राएं भी की थी। वे पूरे अफ्रीका के सबसे सम्मानित नेताओं में से एक थे। उनका निधन 97 वर्ष की आयु में 17 जून 2021 को लुसाका जाम्बिया में हुआ। ये सभा इन महान विभूतियों के निधन पर शोक व्यक्त करती है तथा उनके परिजनों को अपनी संवेदना व्यक्त करती है। उनके सम्मान में अब सभा कुछ देर के लिए मौन रहेगी। ओम शांति। प्रश्नकाल अब बोलिए। प्रश्नकाल मिनिस्टर हैं, सब बैठे हैं ना, ये सब मिनिस्टर ही मिनिस्टर बैठे हैं। आप मंत्रियों के कामकाज में अवरोध पैदा कर रहे हो। आप मंत्रियों के कामकाज में अवरोध पैदा करते हो। सारे मंत्री बैठे हैं, अधीर रंजन जी, सब मंत्री बैठे हैं, आपको दिख नहीं रहे हैं क्या? आप मंत्रियों के कामकाज में अवरोध पैदा कर रहे हो। तख्तियां लग के रहा उनके, उनको भाषण नहीं देने दे रहे हो, नहीं देने दे रहे हो। ये आप लोकतंत्र की परंपराओं का आप तोड़ रहे हो। अगर चर्चा करना चाहते हैं, संवाद करना चाहते हैं, अपनी बात कहना चाहते हैं, अपनी वेदना कहना चाहते हैं, तो मैं माननीय सदस्यगण आपको पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर दूंगा। आप अपनी सीट पर विराजें, जिन मुद्दों पर आप चर्चा करना चाहते हैं अपनी सीट पर जाएं। मैं सरकार से बात करूंगा। आपको कोई व्यक्तिगत पीड़ा है, आप व्यक्तिगत रूप से मिलें, सामूहिक रूप से मिलें, लेकिन सदन की कार्रवाई चले, सदन बाधित नहीं हो, ऐसा मेरा आप सबसे आग्रह है, निवेदन है। देश की जनता चाहती है कि संसद चलनी चाहिए ताकि हम हमारे मुद्दे और विषयों को सदन के माध्यम से सरकार से पहुंचाकर उनकी परेशानियां और तकलीफों को दूर कर सके। प्लीज मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप अपनी अपनी सीट पर विराजे। तो सदन की कार्यवाही अभी शुरू हुई ही है कि विपक्ष ने हंगामा करना शुरू कर दिया।